जनरल विक्रम सिंह हमारे साथ इस समय आ गए हैं, कुछ मिनट हम उनसे सीधे सवाल पूछेंगे। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह भी मेरे साथ होंगी। स्वागत है जनरल विक्रम सिंह आपका आज तक पर। मैंने जो सवाल पहले उठाया था, मैं वही आपसे भी पूछना चाहता हूं। सबसे पहले जी, क्या जी इस परिस्थिति को देख के आपको क्या लगता है, क्या चीन युद्ध चाहता है भारत से? देखिए, जो जज्बात जनरल जी डी बख्शी अब एक्सप्रेस कर रहे थे, मैं उनके साथ हूँ। वाकई ये 1975 के बाद में ये पहली बार ऐसे हुआ है तकरीबन 45 साल के बाद, कि जिसके अंदर ऐसे खून खराबा हुआ है, जिसके अंदर हमारे एक कर्नल और दो जवान मरे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन कर्नल साहब को और उनके दो जवानों को, उनको मैं सलूट करता हूँ। ब्रेव हार्ट्स हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, और ये होता रहता है ऐसे हादसों के अंदर, ऐसे ऐसी कंडीशंस के अंदर। लेकिन जहाँ तक सवाल आप कह रहे हैं चीन का जंग के लिए, तो मैं सिर्फ अपना अपने जो पर्सनल व्यूज हैं, मैं यकीन रखता हूँ कि बहुत जो पैनलिस्ट हैं उनके अलग से विचार होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सिचुएशन वॉर के लिए, देखिए वॉर जब करते हैं तो एक एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड है, उसे कहते हैं जस एट बेलम। मैं मतलब जस्टिफिकेशन फॉर वॉर इसे इंग्लिश में कहते हैं। उसमें प्रोपोर्शनैलिटी, रैशनैलिटी, जस्ट कॉज, राइट इंटेंशन, चांसेस ऑफ सक्सेस, लेजिटिमेसी, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो वो तो एट हाईएस्ट लेवल देखा जाएगा कि युद्ध में जाना है कि नहीं जाना है। देश के अंदर हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सीनियर मोस्ट जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो सोच विचार करके इसके ऊपर इसका देखेंगे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन सवाल अभी ये है कि ये जो हादसा हुआ है ये क्या दर्शाता है, पहली बात तो ये बताऊंगा। दूसरा, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन दो चीज़ों के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो ये इस प्रकार से मुठभेड़ हुई है, जिसके अंदर हमारे कर्नल साहब और दो जवान गए हैं, और जिसके अंदर की जो बयान चीन की तरफ से आया है कि हमारे सैनिक जो हैं उनके इलाके में गए हैं, जबकि वो हमारा इलाका है, ये दर्शाता है कि वो जहाँ पे जो आए हुए हैं और जो उन्होंने वहाँ से डिसंगेज करना था वो नहीं किया है, वो अभी भी वहाँ पे हैं गलवान नदी के अंदर, और वहाँ पे अभी भी हैं परनांगसो के अंदर। पहली बात तो ये है। इससे क्या जाहिर होता है कि जो इनकी स्टेटमेंट्स आई थी, चाहे वो उनके राजदूत जो दिल्ली के अंदर हैं वहाँ से आई, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल से चीन से आई, ये एक बात यह है कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन हमेशा जो है ये एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का इस्तेमाल करता आया है और ये करता रहेगा। ये उनकी एक उनकी जो एक नज़रिया है जंगे मैदान में कार्रवाई करने का, स्ट्रेटेजी अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को अनफोल्ड करने का, उसके अंदर ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन गाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें हर लेवल के ऊपर चौकन्ना रहना पड़ेगा, और अगर कोई एस्केलेशन होती है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है अभी इससे ये क्या दर्शाता है, जैसे मैंने कहा कि एक लॉन्ग हॉल होगा, अभी ये जितनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा। और जैसे कि आप पूछा कि क्या ये जंग में होगा, ये तो निर्भर करेगा कि ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है, बिकॉज ये एट द हाईएस्ट लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर ये जो कार्रवाई है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप सीसीएस के अंदर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर इसका डिसीजन लिया जाएगा, उसके नीचे लेवल के ऊपर डिसीजन नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसका जो है हल, अभी क्योंकि एक टेक्टिकल लेवल ऑपरेशन था, ये स्ट्रेटेजिक लेवल में पहुंच चुका है, और आज नहीं पहले का पहुंचा हुआ है। और यकीनन इसके अंदर आपने देखा होगा जो बयान आया था पहले हमारे रक्षा मंत्री जी का, आज वो मिलने गए हैं प्रधानमंत्री जी से, सीसीएस मीटिंग भी होगा यकीनन, आप लिख के ले लीजिए। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रक्षा मंत्री जी को मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि आज थोड़ी इसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है क्या हमने करना है। लेकिन जहां तक सवाल है बिल्डअप का, क्योंकि मैं देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं किसी मेरे कोई सोर्सेज नहीं है जिनसे मैंने बात की है, क्योंकि एज अ फॉर्मर चीफ मैं स्क्रूपलसली अवॉइड करता हूं इन चीज़ों के ऊपर खबर लेने के लिए। लेकिन जो ओपन डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके तहत मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो बिल्डअप हमने भी किया है उससे यकीनन हमने बता दिया है, हम आंखों में देख रहे हैं चीन के, और हमने ये अभी प्रण कर लिया है कि हम इनका जो है एक कोर्शन जो स्ट्रेटजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका विक्टिम नहीं बनेंगे, ये तो यकीनन है। और क्योंकि ये एक जो मुद्दा है ये हमारे पार्लियामेंट में पास हो चुका है, और चीन के अंदर भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी सीसीपी के अंदर ये डिसीजन आ चुका है कि भाई ये इलाका उनका है, हम कहते हैं हमारा ये इलाका हमारा है। तो जब दो एक बड़े नेशंस जो हैं, जायंट्स, एशियन जायंट्स हैं, जब वो एक चीज के ऊपर अपना हक
बोल रहे हैं कि ये हमारा है, वो कह रहे हैं हमारा है, तो यकीनन इसकी जो नेगोशिएशंस हैं बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती हैं। इसी करके आपने देखा होगा सब लोग कहते हैं, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिलिट्री के अंदर, ये बड़ा एक वेक्स्ड, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है, ये इतना आसान नहीं है इसको रिजॉल्व करने का। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि 1993 से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चल रही है, लेकिन इसका हल क्यों नहीं होता। हल इसका हो सकता है, और मैं कहता हूं कि मैंने कई बार इसका पहले भी बयान किया है, इसके ऊपर लिखा भी है मैंने कुछ कॉलम्स के अंदर, कि दोनों साइड में तकड़ी पॉलिटिकल स्ट्रांग लीडरशिप होनी चाहिए जबकि इसका हल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत एक हाईएस्ट लेवल के डिसीजन लेने पड़ेंगे और बड़े हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो मेरा कहने का भी तात्पर्य यह है कि पहली बात तो यह है कि एक लंबा ये चलेगा, इतनी जल्दी वो पुल बैक नहीं करेंगे। इसकी जो स्ट्रेटजी हमारी है वो मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एंगेजमेंट चलती रहेगी। क्या इसका हल निकलता है वो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं, जैसे जीडी बख्शी जनरल साहब बता रहे थे, जनरल जीडी बख्शी, कि जमीन के ऊपर हमारे जवान डटे हुए हैं, वो आंखों में आंख के देख के वो दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। और देखिए ये जरूर एक एक दर्दनाक घटना हुई है कल, लेकिन देखिए हमने भी तो उनके 4-5 मारे हैं, उनका जो मीडिया उसने खुद बोला है, तो ये चीजें होती रहती है। लेकिन हमारे जवानों ने वहां पे अपना जो है दृढ़ निश्चय वो दिखाया है, अपनी विल पावर दिखाई है, अपनी ब्रेवरी दिखाई है, तो ये कार्रवाई चलती रहेगी टेक्टिकल लेवल के ऊपर। ऑपरेशन यहां से आगे बढ़ने का रास्ता आपको नजर क्या आ रहा है, अब हम यहां से निकलेंगे कैसे, क्योंकि देखिए जब बिल्डअप चल रहा था, जिस तरह से हम आप भी चर्चा कर रहे थे कि जब बिल्डअप चल रहा था चाइना ने, हमने सोल्डर टू सोल्जर मैच किया है, हमने भी अपनी आर्टिलरी वहां पर पहुंचाई है। आज अगर चाइना की तरफ से 5 हमारी तरफ से 3 जाने गई हैं, तो आगे का रास्ता कितना मुश्किल है। अभी तक बातचीत हम कर रहे थे, क्या बातचीत दोबारा कर पाएंगे या फिर कोई दूसरा रास्ता इस समय तलाशना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बाकी जितनी लड़ाइयां हुई हैं अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमेटिक चैनल खुले रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये बंद नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, जो कंट्रीज हैं राजदूत को वापस बुला लेती हैं, लेकिन एक स्तर के ऊपर किसी दूसरी कंट्री के थ्रू ये चैनल्स हमेशा लगे रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इसका जो हल है वो अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल लेवल पे निकलेगा। लेकिन अगर ये इसके अंदर जिस प्रकार का एक आइडियलिस्टिक जो फिलॉसफी इंडिया की थी, उसको जो प्रेजेंट हमारी जो डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट है उसने उसको थोड़ा सा दूर किया है, और एक रियलिज्म का जो एक फिलॉसफी है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करने के लिए, वो दर्शाया गया है। आपने देखा बालाकोट में क्या हुआ, तो एक किस्म का एक इनका नजरिया है जिसके अंदर ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री पावर एज एन एलिमेंट ऑफ ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर फॉर फर्दरिंग नेशनल एजेंडा, ये इनके इन्होंने दर्शाया है। तो इन्होंने एक ऑफेंसिव स्पिरिट जो दिखाई है, मुझे यकीन है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन इसका हल जो है वो वक्त के ऊपर निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, निकलेगा तो ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। लेकिन अगर जो हम पाकिस्तान की टेरिटरी में कर सकते हैं जाके, क्या वो चीन की टेरिटरी में कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन में अंतर है। माइंड नहीं करना, यही तो प्रॉब्लम है। देखिए हमें सोचना है कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसटी के अंदर अंतर है, और मैंने बहुत चैनल्स में देखा है कि जितने हमारे ये बहुत पहुंचे हुए, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप तो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, मैंने आपको सुना है, आप बहुत बढ़िया डिस्कशंस करवाते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि देखिए जो पाकिस्तान का जो एलसी है वो डिफरेंट बॉल गेम है। वो आपको बताएंगे जनरल बख्शी साहब आए हैं, ये वहां पे रहे, मैंने भी वहां पे ब्रिगेड कमांड किया, 15 कोर मैंने कमांड किया, मैंने टेंटिव कमांड किया, और जब मैं टेंटिव कमांड कर रहा था बख्शी साहब वहीं थे, आपके पैनल पे हैं, ये बताएंगे कि किस प्रकार से वहां फौज हमारा उनका मुकाबला कर रही है, डट के मुकाबला कर रही है। लेकिन देखिए एलएसी के ऊपर जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं ये पॉलिटिको मिलिट्री डोमेन के अंदर बने हैं, ये मिलिट्री डोमेन में नहीं बने हैं। देखिए जब ये बॉर्डर डिफेंस जितनी अग्रीमेंट्स हुई हैं, चाहे वो 1993 की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड है, चाहे वो 1996 का है, चाहे वो प्रोटोकॉल्स इन 2005 की, चाहे वो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट है 2013 का, आप देखेंगे सारी जो है ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर साइन की गई है, ये मिलिट्री लेवल पे साइन नहीं की गई है। तो पॉलिटिकल मिलिट्री लेवल के ऊपर जब ये कार्रवाई हम चीन के साथ में करते आए हैं, और आर्मी ने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं जो कि बनाए गए हैं दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में रखते हुए, तो उनकी उल्लंघना करना किसी लेवल के ऊपर हमें नेचुरली गवर्नमेंट से आदेश आएंगे। और आप एक और बात देखिए, इसके अंदर फायर पावर से हमारे ये कैजुअलिटीज और चीन की कैजुअलिटीज नहीं हुई, जो मुझे पता लगा ये पत्थरों से हुई हैं, स्टिक्स के साथ में हुई हैं, डंडों का इस्तेमाल किया गया है और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर ये कारण है तो आपने देखा ये सिक्किम के अंदर भी हुआ था, पहले भी होता रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि
फौज हमारी डटी हुई है टेक्टिकल लेवल के ऊपर, ऑपरेशन लेवल के ऊपर, और मैंने जहां तक सुना है हमारा बिल्डअप हो गया है ऑल अलोंग दी एलएसी नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ में, हमारे पास वो कॉम्बैट पावर है आज चीन की आंखों में देखने के लिए। ये 1962 की फौज नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि थोड़ा चीन को ये देखना पड़ेगा कि वो जंग चाहता है कि नहीं चाहता है। देखिए इस वक्त जहां तक सवाल है, अगर आप स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर डिस्पैशनेटली, ना कि एक जिंगोइस्टिक स्थान से देखते हैं, एक बड़े सुलझे हुए बैलेंस आप रवैये से देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ना तो ये चीन के हित में है और ना हमारे हित में है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ लड़ाई, क्योंकि देखिए दोनों जो एशियन जायंट्स हैं, ये जो जिस शब्द का इस्तेमाल आपने किया डिस्पैशनेटली, वो अभी अभी बड़ी दिक्कत होगी उसमें, चूंकि एक तो कमांडिंग ऑफिसर गए हैं हमारे, एक कमांडिंग ऑफिसर ने अपना बलिदान दिया है, पूरी यूनिट जो होगी वो इस समय किस तरह उबल रही होगी वो भी समझ में आता है। इसके साथ ही पॉलिटिकली जो प्रेशर बन रहा है जनरल सिंह, उसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज बाकी पार्टीज कह रही है, वो कह रही है हमें बदला लेना होगा, लेकिन वही चीज समझते हुए कि ये पाकिस्तान से नहीं डील कर रहे हैं, ये हम चाइना से डील कर रहे हैं। मैच्योर्ड दो देशों का रिश्ता जो इतने सालों से इसने कोई वायलेंस नहीं देखा था, और पहली बार इतने सालों के बाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का वायलेंस देखा है। आपको लग रहा है कि बहुत एक बहुत पतली सी रेखा है, लकीर है जिस पर चलना है और वहीं से समाधान इसका निकलेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्वेता जी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि बड़ी थिन लाइन है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, टाइट रोप है, और एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। देखिए इसमें इट्स नॉट एन इजी डिसीजन एट द हाईएस्ट लेवल। जिन लोगों ने पॉलिटिको मिलिट्री अरीना के अंदर ऑपरेट किया है और डिसीजन मेकिंग देखी है, एक चीफ उसके अंदर कार्रवाई करता है, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स, बड़ा एक वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस अरीना होता है। इसमें बड़ी चीजों को सोच के ये कार्रवाई की जाती है। मैं समझता हूँ कि जज्बात इस वक्त हैं कि हमें मारना चाहिए। यकीन रखें आप कि बटालियन कमांडर लेवल के ऊपर, टेक्टिकल लेवल के ऊपर, ऑपरेशन लेवल के ऊपर हमारे जवान डटे हुए हैं, वो कार्रवाई होगी। जहां तक जंग का सवाल है श्वेता जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आएगा। मैंने आपको बता दिया ये जस्टिफिकेशन फॉर वॉर का, जिसके अंदर 5-6 चीजों को देखा जाता है, देश देखते हैं डिसीजन लेने से पहले। तो मुझे पक्का यकीन है कि गिवन द विजडम ऑफ आवर लीडरशिप, और देखिए दूसरा ये भी मैं सुनने में आ रहा हूं, इससे पहले मैं एक चैनल पर बात कर रहा था कि काफी लोग बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही। देखिए इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस जो हैं एक बहुत ही क्रिटिकल लाइन ऑफ ऑपरेशन होते हैं किसी भी मिलिट्री इनिशिएटिव के अंदर, और जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं ये टारगेट करते हैं जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, चाहे वो चीन के अंदर उनका प्रेसिडेंट हो जी जिनपिंग, चाहे उनकी मिलिट्री लीडरशिप हो, पोलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी यूथ हो, उनका अवाम हो, जो नेबरहुड के अंदर पाकिस्तान हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, हमारे अपना जो अवाम है, ये जो हमारे यूनिट का, जो हमारी आर्मी का मोराल है, वो ये सब टारगेट्स हैं जिसको इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस एड्रेस करते हैं। आपने देखा होगा मिलिट्री करती आई है, हाँ पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आपने देखा कि रक्षा मंत्री जी का बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम ठीक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। तो मैं एज एक फॉर्मर चीफ होने के नाते सिर्फ यही कहूंगा, और मैं ये जैसे मैंने आपको बताया मुझे ग्राउंड सिचुएशन का इतना पता नहीं है, मैं सिर्फ जो बयान अभी तक आए जैसे रक्षा मंत्री जी का आया था, बड़ा बैलेंस बयान था, उस बयान के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हाँ अगर वो आके बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ और सीरियस एक्शन लेना चाहिए, तो यकीनन आप देखेंगे जो स्ट्रेटेजी है देखिए इवॉल्व होती है। देखिए आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजी है दो तरीके से बनती है, एक तो है स्ट्रेटेजी एंड स्टेट देखते हुए, एक स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है बाय डिफॉल्ट। आप देखेंगे जैसे जैसे सिचुएशन जो है वो आती रहती है, स्ट्रेटेजी है इवॉल्व होती रहती है, तो ये स्ट्रेटेजी इवॉल्व करेगी। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कल रात को भी, जिसके अंदर 4-5 चीनी मारे गए हैं। ये बड़ी दुखद घटना है जिसके अंदर हमारे कमांडिंग ऑफिसर मारे गए। ठीक है खून खोल रहा है पूरे देश का, और ये खोलेगा, क्यों नहीं ये खोलेगा यकीनन, लेकिन क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये एक जो मुद्दा है ये अभी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अरीना में पहुंच चुका है, डिसीजन वहां से आएगा कि किस हद तक हमने सेना को लेकर जाना है अपनी ऑफेंसिव कार्रवाई के अंदर। श्वेता आप पूछ सकती हैं सवाल। जी जनरल विक्रम सिंह, ये कमांडिंग ऑफिसर जो थे जिन्हें हमने गंवाया है, ये वही थे जो सीओ लेवल पर बातचीत जो थी, यानी मंडे के दिन में उनकी बातचीत हुई और रात के तक ये कार्रवाई हो गई, जो दोनों देशों की सेनाएं भिड़ी हैं वहां पर, एक एक धोखेबाजी हम देख रहे हैं यहां पर, जिसके लिए हम चाइना को जानते हैं समझते हैं हर बार, क्योंकि आप हर स्तर की बातचीत लगातार यहां पर चल रही है। यहां तक कि ऐसा भी हुआ है कि कई दफा चाइना वन अपमैनशिप करने की कोशिश करता है, और बहुत मच्योर्ड तरीके से भारत ने उसे भी डील किया है।
लेकिन उसके बाद इस तरह की चीज हो जाती है जो कहीं पर दिखा रही है कि आप बातचीत भी कर रहे हैं तो उसका कोई असर हो नहीं रहा है चीन पर। आप ठीक कह रहे हैं श्वेता जी, ये वन अपमैनशिप, ब्रिंकमैनशिप, दिस इज पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस। ये कंट्रीज करती हैं, जो उनके नुमाइंदे आते हैं या कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसका जो हल है अल्टीमेटली वो ये है कि हमें स्थिर रहना है, हमें चौकन्ना रहना है, हमें चाइना को ट्रस्ट नहीं करना है। ये उनका एक मूल सिद्धांत है, ये उनके रग रग में, उनके डीएनए में है। वो झूठ बोलेंगे, वो गाइल का इस्तेमाल करेंगे, आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यकीनन जो कल रात को हुआ, मुझे पता नहीं क्या एग्जैक्टली हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि देखिए, अगर हमारे बंदों ने 4 के 5 उनके मारे हैं, 4-5, तो यकीनन हमारे जवान तक रहे थे। ये बहुत अफसोस की बात है कि कमांडिंग ऑफिसर शायद सामने आ गया, उनको पत्थर लग गया। मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या सिचुएशन है एक्चुअली। जब तक पूरी डिटेल्स नहीं आती मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें चीन के जो उनके जो वहां से उनके एमिनेट करते हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी जो डिप्लोमेट्स हैं जो कहते हैं, उनके ऊपर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। आप देखिए उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आज एक वक्त था ये बात नहीं करते थे, लेकिन आज देखिए वुल्फ वॉरियर जो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जो नेटो कंट्रीज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, इनके इनके राजदूत। तो ये आज इनके एक मेटामॉर्फोसिस, एक चेंज आया है चीन की नजरिए के अंदर। और आपने बड़ी देर के बाद मैंने देखा है कि इनके जो नौजवान हैं, आप सोशल मीडिया देखिए, वो कैसे एक नेशनलिस्ट जो एक फर्वर है उसको कायम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के अंदर भी बहुत तगड़े जो नौजवान हैं, अभी जनरल जीडी बख्शी आएंगे, आप सुनेंगे उनको, ये जब बोलते हैं तो नज़ारा खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे हमें भी अपने जो नेशन का, हमारे देश का जो मोराल है उसे ऊंचा रखना है, उसे डाउन नहीं होने देना। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि वो राइटर्स, वो जर्नलिस्ट जो कोई टिप्पणी अगर करते हैं किसी नेगेटिव चीज के ऊपर, तो उसके अंदर हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब कोई हमें करेक्ट करेगा, जब हमारे खिलाफ कोई आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, तो उसका हमें आई वुड ऑनेस्टली से हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज यू विल नेवर इंप्रूव। अकाउंटेबिलिटी आती है जब आप देखेंगे कि कोई लिख रहा है कि ऐसे ठीक नहीं हो रहा, ऐसे ठीक नहीं हो रहा, यहाँ जमीन पे ऐसे हुआ है, उसको काउंटर करना एक नेशनलिस्ट फर्वर के साथ में किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको डील करने के लिए निहायत जरूरी है। और ताकि फ्यूचर के लिए जो है उसके जो ठीक लेसन है वो सामने आए, बिकॉज अगर हम पर्दा डालते रहेंगे काफी चीजों के ऊपर, आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि एक खोखलापन सा हो जाएगा जी। तो हमें एक्सेप्ट करना है नेगेटिव व्यूज भी और पॉजिटिव व्यूज भी, ये बहुत जरूरी है मीडिया के अंदर, ना कि सिर्फ हम पॉजिटिव व्यूज को एक्सेप्ट करें। नेगेटिव व्यूज का आना, क्योंकि नेगेटिव, मैंने मेरा कहने का मतलब है कि एक डिफरेंट जो है व्यू पॉइंट जो कि कुछ और दर्शाता है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ गुड नेशनलिस्ट एंड इन अ ग्रेट डेमोक्रेसी लाइक आवर्स। शुक्रिया जनरल विक्रम सिंह।